और चलिए अब सीधी लाइव तस्वीरें आपको पोलैंड से दिखाते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और कुछ देर बाद जो वहां लोग मौजूद हैं भारतीय समुदाय के, उनको संबोधित भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंच चुके हैं और जो भारतीय समुदाय के लोग हैं बड़ी संख्या में उन्हें सुनने पहुंचे हैं और अब प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करें। नमस्कार, केंजो वणक्कम, सत श्री अकाल, जीन दोबरे। ये नजारा वाकई अद्भुत है और आपका ये उत्साह भी अद्भुत है। मैं जब से यहां पैर रखा है आप थकते ही नहीं है। आप सभी पोलैंड के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, सबकी अलग अलग भाषाएं हैं, बोलियां हैं, खान पान है, लेकिन सब भारतीयता के भाव से जुड़े हुए हैं। आपने यहां इतना शानदार स्वागत किया है, मैं आप सभी का, पोलैंड की जनता का इस स्वागत के लिए बहुत आभारी हूं। साथियों, पिछले एक हफ्ते से भारत के मीडिया में आप ही लोग छाए हुए हैं। पोलैंड के लोगों की खूब चर्चा हो रही है और पोलैंड के विषय में भी बहुत कुछ बताया जा रहा है और एक हेडलाइन और भी चल रही है और मीडिया में बताया जा रहा है कि 45 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आया है। बहुत सारे अच्छे काम मेरे नसीब में ही है। कुछ महीने ही पहले मैं ऑस्ट्रिया गया था, वहां भी चार दशक बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री वहां पहुंचा था। ऐसे कई देश हैं जहां दशकों तक भारत का कोई प्रधानमंत्री पहुंचा नहीं है। लेकिन अब
परिस्थितियां दूसरी है। दशकों तक भारत की नीति थी कि सारे देशों से समान दूरी बनाए रखो। आज के भारत की नीति है सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाओ। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है। आज का भारत सबके विकास की बात करता है। आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। हमें गर्व है कि आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। आपको भी यहां यही अनुभव आ रहा है ना? मेरी जानकारी सही है ना? साथियों, हमारे लिए ये जियोपॉलिटिक्स का नहीं है, बल्कि संस्कारों का, वैल्यूज का विषय है। जिनको कहीं जगह नहीं मिली, उनको भारत ने अपने दिल और अपनी जमीन दोनों जगह स्थान दिया है। ये हमारी विरासत है जिस पर हर भारतीय गर्व करता है। पोलैंड तो भारत के इस सनातन भाव का साक्षी रहा है। हमारे जाम साहब को आज भी पोलैंड में हर कोई दोबरे यानी गुड महाराजा के नाम से जानता है। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जब पोलैंड मुश्किलों से घिरा हुआ था, जब पोलैंड की हजारे महिलाएं और बच्चे शरण के लिए जगह जगह भटकते थे, तब जाम साहब दिग्विजय सिंह रंजीत सिंह जाडेजा जी आगे आए। उन्होंने पुलिस महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष कैंप बनवाया था। जाम साहब ने कैंप के पुलिस बच्चों को कहा था, जैसे नवानगर के लोग मुझे बापू कहते हैं, वैसे ही मैं आपका भी बापू हूं। साथियों, मेरा तो जाम साहब के परिवार से काफी मिलना जुलना रहा है। मुझ पर उनका अपार स्नेह रहा है। कुछ महीने पहले भी मैं वर्तमान जाम साहब से मिलने गया था। उनके कमरे में पोलैंड से जुड़ी एक तस्वीर आज भी है और मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि जाम साहब के बनाए रास्ते को पोलैंड ने आज भी जीवंत रखा है। दो दशक पहले जब गुजरात में भीषण भूकंप आया था,
तो जामनगर भी उसकी चपेट में आ गया था। तब पोलैंड सबसे पहले मदद के लिए पहुंचने वाले देशों में से एक था। यहां पोलैंड में भी लोगों ने जाम साहब और उनके परिवार को भरपूर सम्मान दिया है। ये प्यार वर्षों में गुड महाराजा स्क्वायर में साफ साफ दिखता है। कुछ देर पहले मुझे भी दोबरे महाराजा मेमोरियल और कोल्हापुर मेमोरियल के दर्शन का सौभाग्य मिला है। इस अविस्मरणीय घड़ी में मैं एक जानकारी भी आपको देना चाहता हूं। भारत जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। इसके तहत भारत 20 पोलिश युवाओं को हर साल भारत आने के लिए आमंत्रित करेगा। इससे भारत के बारे में पोलैंड के युवाओं को और ज्यादा जानने का मौका मिलेगा। का संबोधन आप सुन रहे थे। भारतीय समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। पोलैंड का दौरा और काफी खास प्रधानमंत्री का यह दौरा है। तमाम बातों का जिक्र भी प्रधानमंत्री इस वक्त कर रहे हैं। महाराष्ट्र नागरिकांचा आणि मराठी संस्कृतीचा मराठी संस्कृति के प्रति पोलैंड के नागरिकांनी व्यक्त केलेला हा सम्मान आहे। मराठी संस्कृति मानव धर्म आचरणाला सर्वात अधिक प्राधान्य आहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से कोल्हापुर की रॉयल फैमिली ने बलिवड़े में पोलैंड की महिलाओं और बच्चों को शरण दी थी। वहां भी एक बहुत बड़ा कैंप बनाया गया था। पोलैंड की महिलाओं और बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए महाराष्ट्र के लोगों ने दिन रात एक कर दिया था। साथियों, आज ही मुझे मोंटे कैसिनो मेमोरियल पर भी श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला है। ये मेमोरियल हजारों भारतीय सैनिकों के बलिदान को भी उनकी भी याद दिलाता है। ये इस बात का भी प्रमाण है कि कैसे विश्व के हर कोने में भारतीयों ने अपना कर्तव्य निभाया है। साथियों, 21वीं सदी का आज का भारत अपनी पुरानी वैल्यूज, अपनी विरासत पर गर्व करते हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया भारत को उन खूबियों के कारण जानती है जिसे भारतीयों ने सारी दुनिया के सामने साबित करके दिखाया है। हम भारतीयों को एफर्ट्स, एक्सलेंस और एम्पथी के लिए जाना जाता है।
हम दुनिया में जहां भी जाते हैं हम भारत के लोग मैक्सिमम एफर्ट्स करते दिखाई देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप हो, केयर गिवर्स हो या हमारा सर्विस सेक्टर हो, भारतीय अपने एफर्ट्स से अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये मैं आपकी बात बता रहा हूं। आपको लगता होगा कि मैं किसी तीसरे देश की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में भारतीय एक्सलेंस के लिए भी पहचाने जाते हैं। आईटी सेक्टर हो या भारत के डॉक्टर्स हो, सभी अपने एक्सलेंस से छाए हुए हैं। और कितना बड़ा ग्रुप तो मेरे सामने ही मौजूद है। साथियों, हम भारतीयों की एक पहचान एम्पथी भी है। दुनिया के किसी देश में संकट आए, भारत पहला देश होता है जो मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। कोविड आया, 100 साल की सबसे बड़ी आपदा आई तो भारत ने कहा ह्यूमैनिटी फर्स्ट। हमने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां और वैक्सीन भेजी। दुनिया में कहीं भी भूकंप आता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, भारत का एक ही मंत्र है, ह्यूमैनिटी। कहीं युद्ध हो तो भारत कहता है ह्यूमैनिटी। और इसी भाव से भारत दुनिया भर के नागरिकों की मदद करता है। भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सामने आता है। साथियों, भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करती है। और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है, ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है। साथियों, जिस प्रकार आपने यूक्रेन में फंसे हमारे बच्चों की मदद की, वो भी हम सभी ने देखा है। आपने उनकी बहुत सेवा की थी।
आपने लंगर लगाए, आपने अपने घर के दरवाजे खोले, अपने रेस्तरां खोल दिए। पोलैंड की सरकार ने तो वीजा जैसे बंधनों को भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए हटा दिया था। यानी पोलैंड ने पूरे मन से हमारे बच्चों के लिए दरवाजे खोल दिए थे। आज भी जब मैं यूक्रेन से लौटे बच्चों से मिलता हूं तो वे पोलैंड के लोगों की और आपकी खूब प्रशंसा करते हैं। और इसलिए आज मैं यहां 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से आप सभी का, पोलैंड के लोगों का अभिनंदन करता हूं। मैं आपको सैल्यूट करता हूं।